हेलो, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फर्स्ट नाइट फेलियर के बारे में, सुहाग रात में असफलता। क्या हमारे सोसाइटी में सुहाग रात एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और वो इवेंट का इंतज़ार सब लोग करते रहते हैं। और सुहाग रात मतलब शादी के बाद में वर और वधू ने, मतलब पति पत्नी ने, पहली नाइट, पहली रात एक साथ में बिताने का। अब इतना मतलब कल्चर भी इतना आगे बढ़ चुका है, कल्चर में इतने फ़र्क आ रहे हैं कि अभी तो पता नहीं कि कितने प्री मैरिटल एक्सपीरियंसेस लोगों को है। मतलब शादी के पहले लोगों को सेक्स के एक्सपीरियंसेस कितने लोगों को है, कितने लोगों को नहीं है मालूम नहीं है। मगर तभी भी फर्स्ट नाइट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हमारे यहाँ अभी भी, मतलब हमारे देश में अभी भी मैरिजेस फिक्स होते हैं, मतलब माँ बाप पक्के करते शादियाँ, और एक दूसरे को देख के 5 मिनट 10 मिनट देख के शादी पक्की की जाती है। उस मालूम नहीं रहता कि एक दूसरे के स्वभाव क्या है, और फिर उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, और उसके बाद में शादी पक्की हो जाती है। और सुहाग रात को बहुत फिर महत्व दिया जाता है क्योंकि सुहाग रात में पहली बार ही दोनों एक साथ में आते हैं। हमारे हिंदी फिल्मों में तो बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के उसका ऐसा ड्रामेटाइजेशन किया हुआ है, नाटकीय ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया है कि सुहाग रात मतलब वधू कमरे में आएंगी, पत्नी आएंगी और वो ग्लास लेके आएंगी दूध का, और बहुत सजज के आएंगी, कमरा बहुत सजज के रखा हुआ है, और मतलब बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। दोनों को अनुभव नहीं होता, मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक चपरासी की नौकरी होना है तो उसके लिए पूछते कि आपको अनुभव कितना है। मगर शादी के लिए या फर्स्ट नाइट के लिए अनुभव नहीं रहा तो अच्छा है, या अनुभव नहीं होना चाहिए ऐसा रहता है कि इसमें अनुभव नहीं होना चाहिए, इसमें अनुभव पूछते भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए ऐसी अपेक्षा है। मगर अभी आज के अभी कल्चर में कितने लोगों को अनुभव है और कितने लोगों को अनुभव नहीं है ये बोलना बहुत मुश्किल है। ऐसा समझ के चलो चलते हैं हम कि चलो भाई हमको जानकारी नहीं है जितनी चाहिए उतनी, क्योंकि अनुभव भी लिया होगा तभी भी डर डर के लिया होगा, कहीं तभी कॉन्टैक्ट लड़की के साथ में आया होगा, एक आधी बार टेस्ट किया होगा टेस्ट करने के लिए, या कोई किताबें पढ़ के, या येलो बुक्स पढ़ के, या कोई ब्लू फिल्म देख के, या कोई एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट देख के, या इंटरनेट पे व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो भी फिल्म देखी होंगी वहाँ से लोगों को जानकारी होती है। अनुभव भी लिया होगा तभी बहुत ही ऐसा कम समय के लिए छुपके छुपके कहीं तो भी अनुभव लिया रहता है। इवन दो अरेंज मैरिज है और 2-3 महीने के बाद में भी शादी होने वाली है, तभी भी जो अनुभव लिया जाता है वो छुपके छुपके अनुभव लिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में शादी के पहले सेक्स कॉन्टैक्ट होना यह अपेक्षित नहीं है। लड़के को ऐसा रहता है कि नहीं, मेरा मुझे पोटेंसी प्रूव करना है, पुरुषत्व सिद्ध करना है, और वो पुरुषत्व सिद्ध करने के लिए पहली रात है। लड़की को ऐसा रहता है कि भाई मुझे मेरी वर्जिनिटी, मतलब मेरा कौमार्य जो है वो मुझे सिद्ध करना है पहले रात को, कि मैं प्योर हूँ, है ना, मैं प्योर हूँ और मुझे वो मतलब सिद्ध करना है कि मैं प्योर हूँ करके। तो फिर होता क्या है कि एक तो लड़का सेक्स टॉनिक लेके जाएगा, कोई गोलियाँ लेके जाएगा उसको सिद्ध करने का है, या फिर पहले वेश्या के साथ में प्रयोग करके जाएगा, और फिर लड़की के दिमाग में तो टेंशन है क्योंकि उसको कुंवारापन सिद्ध करना है, कौमार्य सिद्ध करना है, और उसको ये बताने का है कि देखो सील था वजाइना, और वजाइनल सील है और वजाइनल सील टूटा हुआ है, इसके पहले कभी टूटा नहीं था, और फिर उसमें खून आना जरूरी है। तो पहले नाइट को यदि खून नहीं आया या सील नहीं टूटा, इसका मतलब वो कुंवारी नहीं थी लड़की, या कौमार्यपन नहीं था उसका, ये सिद्ध होता है। तो इसके लिए फिर लड़की बहुत टेंशन में रहती है। इन शॉर्ट क्या है कि हमारा बेडरूम जो है, मतलब जो लड़की लड़कियों का बेडरूम जो है, वो बेडरूम एक लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए उपयोगी हो जाता है, कि एक लेबॉरेटरी टेस्ट है कि जिसमें उसका कुंवारापन और लड़के का पौरुषत्व ये दोनों को सिद्ध करने की एक जगह है। और फर्स्ट नाइट को वो सिद्ध नहीं हुआ तो ये आदमी में नहीं है, ये पुरुष नहीं है, या लड़की का सील टूटा नहीं और पहले ही टूटा हुआ है, या खून नहीं आया, इसका मतलब वो पहले से ही मतलब कुंवारी नहीं है, या पहले से उसको कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट आ चुका है। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ रहते हैं और उसमें टेंशन आता है और दिमाग में बहुत टेंशन है, लड़की के दिमाग में टेंशन है, लड़के के दिमाग में टेंशन है, और उसमें उसको उसके शिश्न में कठोरता नहीं आती है, टेंशन नहीं आता है, वो नहीं कर सकता है, तो फिर तो काम ही हो गया। लड़की को यदि पहले से कुछ ना कुछ दिमाग में है तो बोलता है कि नहीं,
उसको सुबह सुबह पूछते कि तेरा हो गया कि नहीं हो गया, कैसी रही रात, और उसने बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ, तो लड़की वाले उसको घर में बुला लेते कि लड़का आदमी भी नहीं है, कोई चांस देते नहीं है। तो ऐसे सब टेंशन में जब होता है, ये सुहाग रात का पहला अनुभव या फर्स्ट नाइट का जो फेलियर, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसमें हम हरदम ये बोलते हैं कि भाई जैसा आप साइकिल सीखते हैं, तो साइकिल सीखने के समय भी दो चार बार गिर जाते हैं, घुटना फूट जाता है, पहली बार साइकिल नहीं आती, तो साइकिल चलाने जैसी भी चीज़ है तो पहली बार नहीं आती। आपको यदि कोई अनुभव नहीं है पहले का, लड़की को अनुभव नहीं है, लड़के को अनुभव नहीं है, तो पहले नाइट को फेल होगा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको 8 दिन 10 दिन 15 दिन देना पड़ेगा ट्रायल के लिए, अनुभव मिलने के लिए, और 8-15 दिन शादी के बाद फिर हमको देखना पड़ेगा कि सचमुच इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ऐसे दिमाग में शांति रख के, लड़के को भी शांति रखना है, लड़की को भी शांति रखना है, और शांति रख के काम करते ठीक है, नहीं तो फिर डाइवर्स की नौबत आ जाती है। तो ये फर्स्ट नाइट के बारे में, और भी मैं आगे आने वाले सीडी जिसमें वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या करना चाहिए और फर्स्ट नाइट फेलियर टालने के लिए क्या करना चाहिए, तो आगे की वीडियो मेरे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसको क्लिक करो, हिट करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।